बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर आए हैं दिवाली पर एसे। क्या लेकर आए हैं भाई? एसे, है ना। और एसे को अब और बोला जाने लगा है क्या? आर्टिकल। तो एसे की इस अगली सीरीज में, आर्टिकल की अगली सीरीज में हम लोग आज दिवाली पर लेकर आए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो बहुत आपको पसंद आएगी। बहुत ही सरल तरीके से मैंने भाई समझाया है, एकदम सिंपल वे में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई आगे बढ़ने से पहले कि ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, ताकि हमें भी थोड़ा यार मोटिवेशन मिले ना। तो चलिए भाई वीडियो को फटाफट बिना देर के हुए शुरू करते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन देखिए, मतलब भाई होता है परिचय, है ना। तो यहाँ पर आपको परिचय समझना है, ओवरऑल दीपावली क्या होती है ना, कैसे मनाई जाती है। तो दीपावली जो है वो एक फेमस फेस्टिवल होता है ऑफ हिंदूज, यानी हिंदुओं का, ना। दीपावली एक फेमस फेस्टिवल है, यहाँ पर इज रहेगा भाई, दीपावली इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, है ना। इट इज़ ये है द फेमस फेस्टिवल, फेमस माने प्रसिद्ध, फेस्टिवल माने त्यौहार, ऑफ लाइट्स माने प्रकाशों का, या प्रकाश का जो होता है भाई एक प्रसिद्ध सा क्या होता है, त्यौहार होता है। इट इज़ यह है सेलिब्रेट मनाया जाता इन माने में ऑल ओवर संपूर्ण इंडिया, यानी भारत में, यानी ये संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, ठीक भाई। तो आगे चलिए देखेंगे टाइम एंड रीज़न, है ना। तो इसका क्या मतलब है भाई टाइम एंड रीज़न का? टाइम मतलब क्या होता है भाई? टाइम मतलब होता है समय, एंड माने और रीज़न मतलब होता है कारण, यानी मनाने का समय और कारण क्या है ना। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है ऑन मर कार्तिक माने कार्तिक, और अमावस्या मतलब क्या होता है भाई? अमावस्या, यानी कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है ना। यहाँ पर ए रहेगा भाई अमावस्या को। सम पीपुल, कुछ लोग बिलीव्स भरोसा करते हैं दैट ऑन दिस डे, ठीक है, कि इस दिन जो है लॉर्ड रामा यानी भगवान राम जो हैं केम बैक, वापस आए थे। कहाँ पर वापस आए थे? टू अयोध्या, अयोध्या में, आफ्टर 14 ईयर्स, 14 वर्ष बाद, फ्रॉम फॉरेस्ट यानी जंगल से, वन से 14 वर्ष बाद इस दिन लौट कर आए थे। सो इसलिए पीपल यानी लोगों ने लाइटेड सजाया था, लैम्प्स माने दीपक, इन द हाउसेस घरों में, इसलिए लोगों ने घरों में दीपक जलाया था ना, दीपक से सजाया था। आगे देखिए भाई हाउ इज सेलिब्रेटेड, हाउ माने कैसे, इस माने है, और सेलिब्रेटेड माने मनाया जाता है, यानी कैसे जो है ये मनाया जाता है भाई, है ना। देखिए भाई सबसे पहले क्या है कि हाउ इज सेलिब्रेटेड, कैसे मनाया जाता है। तो पीपल यानी लोग डेकोरेट माने सजाते हैं, देयर माने अपने, हाउसेस माने क्या होता है भाई? घरों को, यानी पीपल जो है डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं देयर हाउसेस अपने घरों को, है ना। विद माने से, कलरफुल कैंडल्स, कलरफुल मतलब क्या होता है भाई? रंग बिरंगी, ना। कैंडल माने क्या होता है? मोमबत्तियों से, है ना। पीपल यानी लोग डेकोरेट में सजाते हैं देयर हाउसेस अपने घरों को विद कलरफुल कैंडल यानी रंग बिरंगी मोमबत्तियों से, एंड और इलेक्ट्रिक लाइट्स यानी इलेक्ट्रिक लाइट से। पीपल एक्सचेंज, लोग जो है वो अदला बदली करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, स्वीट एंड गिफ्ट देते हैं, है ना, इस दिन। और चिल्ड्रन माने बच्चे, प्ले माने खेलते हैं विद फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मतलब होता है भाई पटाखे, ना, FIRE WORKS, फायरवर्क्स मतलब पटाखे। एंड और इन नाइट मतलब रात में, पीपल यानी लोग वर्शिप माने पूजा करते हैं गॉडेस लक्ष्मी यानी गॉडेस लक्ष्मी की, और शाम को जो है नाइट में लोग गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं यानी देवी लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। आगे देखिए भाई इसकी ड्रॉबैक्स कौन कौन सी है ना, कमियां इसकी, तो ये कमियों पर बात करते हैं भाई, है ना। देखिए भाई ड्रॉबैक्स मतलब क्या होता है? कमियां, है ना। तो सम पीपल यानी जो कुछ लोग होते हैं, ड्रिंक मतलब पीते हैं भाई, वाइन मतलब क्या होता है? शराब। कब? ऑन दिस डे यानी कि इस दिन, है ना, इस दिन, ये गलती से लिख गया भाई, है ना, ऑन दिस डे इस दिन शराब पीते हैं। एंड और प्ले माने खेलते हैं, गैम्बल मतलब क्या होता है भाई? जुआ, GAMBLE, गैम्बल मतलब जुआ। दस इस प्रकार से, दे माने वे, लॉस माने खो देते हैं, दियर माने अपना, हार्ड अर्न कठिनता से कमाया हुआ, मनी यानी धन, है ना। तो इसलिए कठिनता से जो अपना कमाया हुआ धन होता है भाई उसे खो देते हैं। सम पीपल ड्रिंक वाइन, शराब पीते हैं दिस डे, एंड प्ले गैम्बल, जुआ खेलते हैं। दस इस प्रकार से, दे लॉस वो गवा देते हैं, देयर हार्ड अर्न मनी अपना कठिनता से कमाया हुआ धन, और देयर आर मेनी एक्सीडेंट, काफ़ी सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं ड्यू टू फायरवर्क्स, पटाखों के कारण। तो ये कहीं ना कहीं भाई कुछ कमियां होती हैं, ड्रॉबैक्स होती हैं ना इस त्यौहार की। आगे देखिए कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब होता भाई निष्कर्ष। तो फाइनली, फाइनली मतलब अंततः, है ना, वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट माने कि दीपावली, माने दीपावली इज़ अ गुड फेस्टिवल, अच्छा त्यौहार होता है, एंड और द फेस्टिवल, ये त्यौहार होता है ऑफ मतलब का हैप्पीनेस माने खुशियों का। फिर समझेंगे कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष भाई, ओवरऑल जो हमने अभी तक पढ़ा। तो फाइनली वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट दिवाली इज़ अ गुड फेस्टिवल, दिवाली अच्छा त्यौहार होता है,
एंड द फेस्टिवल एंड त्यौहार होता है कहे का ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों का, और ये खुशियों का त्यौहार होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक सीरीज चलाई हुई है सारे ऐसे और आर्टिकल की, तो आई होप कि ये भी ऐसे आपको पसंद आया होगा। ऐसे अगर पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।